सरकार खान और आप देख रहे हैं जी इंडिया आई टी वन लाइव। अवस्थी में खुली फर्जी शिक्षकों की पोल, 1,37,00,000 की रिकवरी नोटिस। अनामिका फर्जी टीचर के मामले ने प्रदेश के शिक्षा विभाग की नींव हिलाकर रख दी है, जिससे प्रदेश के सभी जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने अपने जिलों में फर्जी अध्यापकों की तलाश में जुट गए। इसी कड़ी में जनपद आज 6 फर्जी अधिकारियों को पकड़ा गया, जो फर्जी डिग्री लगाकर वर्षों से नौकरी कर रहे थे, लेकिन आज की रात उनकी सलाखों के पीछे होगी। मामला श्रावस्ती जनपद का है, जहां आज 6 फर्जी अध्यापक को फर्जी शैक्षिक कागज लगाकर वर्षों से सरकारी नौकरी करते हुए पकड़ा गया। मामला फर्जी अध्यापक अनामिका से उजागर हुआ, जिसके बाद आज श्रावस्ती जनपद में भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नौकरी कर रहे अध्यापकों के कागजात खंगालना शुरू किया, जिसमें 6 अध्यापकों के कागजात फर्जी लगे पाए गए, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी ओमकार राणा द्वारा सभी 6 अध्यापकों के बर्खास्त कर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं 2 फर्जी अध्यापकों को जेल भेज दिया गया। BSA ओमकार राणा ने बताया कि अभी और फर्जी अध्यापकों की जाँच चल रही है। वहीं इन अध्यापकों से 1,37,00,000 रुपए की सरकारी रकम की रिकवरी की नोटिस जारी कर दी गई है। वहीं इस बड़ी कार्यवाही से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जी इंडिया IT1 लाइव के लिए प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। क्या मामला है, क्या कार्रवाई हुई है? हम लोगों ने जो फर्जी टीचर थे, जांच करा करके इनके FIR दर्ज करा दी है, और इनकी वसूली वेतन इन्होंने सरकारी शासकीय धन को इन्होंने वेतन के रूप में लिया था, उनकी रिकवरी की नोटिस हम जारी कर रहे हैं। इस तरह से है, अजीत कुमार शुक्ला, ये हमारे बर्खास्त शिक्षक हैं, कन्हैया सिंह, राजीव उपाध्याय, शोभनाथ राजकुमार और मनोज कुमार। इस तरह से 1,37,00,000 जो है 21,245 रुपये की वसूली हम लोग जो इनकी नोटिस दे रहे हैं पूरे 6 शिक्षकों की। हाँ, इनकी FIR हो गई है, और राजीव अजीत कुमार शुक्ला जेल जा चुके हैं, शोभनाथ जेल में हैं, और बाकी की कार्रवाई गतिमान है।